हाय गाइस, एक बार फिर से वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल किंग्स प्रोडक्शन में एक नए टॉपिक के साथ। हेलो व्यूवर्स, अगर आप लैपटॉप या कंप्यूटर के यूज़र हैं और आप फोटो को एडिट करना चाहते हैं और आपके पास कोई भी सॉफ्टवेयर मौजूद नहीं है या आप इसमें इंस्टॉल ही नहीं करना चाहते क्योंकि रैम कम होने की वजह से कंप्यूटर बहुत ज़्यादा स्लो हो जाते हैं, तो इसलिए मैं आपके पास लेके आया हूँ एक ऑनलाइन सोल्यूशन जिसमें आप ऑनलाइन फोटो को एडिट कर सकते हैं बहुत ज़्यादा परफेक्ट तरीके से। चलें देखते हैं वो कौन से सॉफ्टवेयर हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना ही है कि गूगल ब्राउज़र में जाके ऑनलाइन फोटो एडिटर पिक्सलर एक्सप्रेस के नाम से वेबसाइट को सर्च करना है और यहाँ पे फर्स्ट नंबर पर आपको दिखाई देगी, इस पर क्लिक कर दें और देन आपको एक ऐसा पेज दिखाई देगा। बाज दफ़ा ऐसी प्रॉब्लम भी आती है, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका फ़ायदा ये होगा कि मैं यहाँ पे एडिटिंग ट्रिक्स की वीडियोस लाता रहता हूँ, आपको सबसे पहले मिलती रहेंगी। लेकिन इसे घबराने की जरूरत नहीं, आपको हेयर के बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पर कर देना है इसको अलो, देन आपका सॉफ्टवेयर जो है आपके सामने ओपन हो जाएगा। सॉफ्टवेयर का होम पेज आपके सामने, यहाँ पे ब्राउज के ऑप्शन के जरिए आप अपने कंप्यूटर से कोई भी पिक्चर इम्पोर्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर अपनी पिक्चर इम्पोर्ट कर रहा हूँ, फीचर आ चुके हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं बहुत सारे फीचर्स, एडवांस फीचर्स इसमें दिए गए हैं। सिंपल राइटिंग के साथ बहुत सारा सिंपल यूज़ है इसका, बहुत ही इजी टू इंटरफेस है यार, मैं कहता हूँ। इसमें बहुत सारे आपको इफेक्ट्स मिल जाएंगे, बहुत सारे टैटूज मिल जाएंगे और बहुत सारे ऐसे टेम्पलेट्स मिल जाएंगे एडिटिंग के, मैं कहता हूँ आप हैरान हो जाएंगे। एक दफ़ा यहाँ पे आ सकते हैं, मैं इसके साथ इसको यूज़ करता रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ बहुत अच्छा रहा है। तो मैं जस्ट आपको इसका इंटरफेस बताना चाहता था कि ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको आप ऑनलाइन बहुत अच्छी एडिटिंग कर सकते हैं। और सेकंड नंबर पर हम बात करते हैं, यहाँ पे आपको सर्च करना है www.pixlr.com और ये सेकंड नंबर पे आपको मिल जाएगी। इस को भी ओपन करते हैं, ये इसका इंटरफेस बिल्कुल फोटोशॉप की तरह, अगर आप फोटोशॉप यूज़र रहे हैं या आप उसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं तो बिल्कुल फोटोशॉप की तरह काम करता है। इसे अगर ऑनलाइन फोटोशॉप कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। इसका इंटरफेस भी सिंपल है उनके लिए जो फोटोशॉप यूज़र रहे हैं, लेकिन दूसरों के लिए बहुत हार्ड हो जाएगा, इसलिए इसको मैं सेकंड नंबर पर रखता हूँ। फर्स्ट नंबर पर जो आपको बताया वो इससे ज़्यादा इजी है, लेकिन ये एक प्रोफेशनल है, इसमें प्रोफेशनल एडिटिंग कर सकते हैं आप, मतलब फ्लैक्सीज वगैरह भी बना सकते हैं, स्किन बना सकते हैं और भी बहुत कुछ बना सकते हैं इसके, मतलब बहुत ज़्यादा इसके अंदर अपने राइटिंग स्टाइल हैं। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा लिख के दिखा सकता हूँ। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो, अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।